हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ विंटर स्पेशल गाजर का हलवा का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं कुछ टिप्स दूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हलवा बनाने वक्त मिल्क जो फट जाता है उसमें टेस्ट कम आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी गाजर लिया है, इसको हम सबसे पहले वॉश कर लेंगे। अब गाजर को हम अच्छे से यहाँ पे पीलर के हेल्प से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पतले वाले साइड हैं, इन्हें हम काट करके अलग कर देंगे, क्योंकि इससे हमें घस्ते में नहीं बनता, तो इसलिए इसे हम किसी भी रेसिपी या फिर सैलेड के रूप में खा सकते हैं। तो बाकी हम सभी को इस तरह से काट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले गाजर को घस लेते हैं, तो इसे मैं सेट कर देती हूँ। ये इसी में सारे स्टोर हो जाएंगे। जो बड़े गाजर होते हैं, इस तरह से उनमें ये मोटे वाले साइड लास्ट में बच जाते हैं, जो कि स्टेम के पास होते हैं, तो इसको आप साइड कर दें, इसको आप ना यूज़ करें। अब ये घिसे हुए गाजर को हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। गाजर हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप इसे विंटर में ज़रूर खाएं। गैस को ऑन करके हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई को अच्छे से 2 मिनट तक गर्म होने दें। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून घी डाल दें। इस रेसिपी को घी में ही बनाएं, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम घिसे हुए गाजर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लें। मिला के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के पकने दें। दस मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम एक बार फिर से मिला लेंगे और इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ही पकने दें। 5 मिनट हो गए हैं, इसे वापस से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे अब थोड़ा सा हैंड में प्रेस करके देखेंगे ये पका है कि नहीं। तो यहाँ पे ये थोड़े से और पकेंगे, तो इसे 5 मिनट के लिए और ढक के पकाएं। पाँच मिनट हो गया है, वापस ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसे पूरा पकाने में मुझे 20 मिनट लगे हैं और बाकी के 20% हम इसे मिल्क के साथ पकाएंगे। अब इसमें हम मिल्क डालेंगे। मिल्क को हलवा में डालने से पहले उसे अच्छे से एक बॉयल आने तक गर्म कर लें, और इसे डायरेक्ट हलवे में ना डालें, इस तरह से स्पेस बना लें और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें 2 मिनट पहले से ही। अब इसमें हम मिल्क डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है 1 केजी गाजर के हलवे के लिए, तो इसको हम पहले आधा डाल करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो आधा बच गया था अब वो हम पूरा डाल देंगे और वापस से इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मिल्क और गाजर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम 6 से 7 केसर डाल देंगे,
इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2 इलायची इस तरह से कूट करके डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची के पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से मिला दें। अब इसे हम बिल्कुल 5 मिनट तक लो फ्लेम पर आधा ढक कर के पकाएंगे। इसे पूरा कवर ना करें, इससे मिल्क फटता है। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम वापस से मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसको ढक कर के 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसे अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं खोआ। यहाँ पे मैंने आधा कप खोआ यूज़ किया है। इस इंग्रेडिएंट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये रेसिपी की सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। अब इसको अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम वापस आधा ढक करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर दें। अब हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट तक इसे पकाएंगे, क्योंकि गाजर बहुत अच्छे से गल चुकी है। और बाकी जो मिल्क बचे हैं उसको हम गाजर के साथ अच्छे से सुखा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिल्क काफ़ी अच्छा गाजर के साथ ड्राई हो रहा है। यहाँ पे मिल्क काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे 1/4 कप चीनी डाल देंगे, या फिर चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई रखें और 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते रहें। चीनी के पिघलते ही इसमें थोड़ी सी पानी आ जाती है, तो इस पानी को हम सुखा लेंगे। तो यहाँ पे ये हलवा बनके रेडी हो चुका है, इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इस बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। ठंड के मौसम में ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी इसे टेस्ट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैं इसे कुछ काजू और किशमिश के साथ गार्निश करूँगी। आप चाहें तो काजू और किशमिश पहले भी डाल सकते हैं जब हम मिल्क ऐड किए थे, लेकिन मुझे ऐसे पसंद है क्योंकि इसमें काजू बहुत क्रंची लगता है जब माउथ में जाता है। तो ये गाजर का हलवा बन के रेडी है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे जब भी मैं अपने चैनल में न्यू वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा।